हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कलर्स टीवी के शो मेरा बलम थानेदार क्या ऑफ एयर होने वाला है या फिर इस सीरियल में लीप आने वाला है, तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। मिल दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, कलर्स टीवी के शो मेरा बलम थानेदार अभी ऑफ एयर नहीं होने वाला है और इस सीरियल की अभी अच्छी खासी टीआरपी आ रही है। सो दोस्तों, पर खबरों की माने तो इस सीरियल में एक साल का लीप आने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि वीर और बुलबुल एक दूसरे से अलग हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीर ने कर ली है एक नाबालिग लड़की से शादी, इस वजह से उसकी नौकरी भी चली जानी है। जी हाँ दोस्तों, एक साल के लीप में आप देखेंगे कि वीर की जो है वो नौकरी चली जाएगी क्योंकि उसने एक नाबालिग लड़की से शादी की है और ये दोनों अलग हो जाएंगे। पर दोस्तों, एक साल के लीप के बाद इन दोनों की ज़िंदगियां बदल जानी हैं। जी हाँ दोस्तों, बुलबुल जो है वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही होगी और टॉप करेगी एक अच्छे खासे नंबर लेकर, तो वहीं की नौकरी चली जाएगी। पर दोस्तों, आने वाले एक साल के लीप में आप सभी देखेंगे कि बुलबुल जो है वो वीर के बच्चे की माँ बनने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब और रोमांचक होने वाला है क्योंकि वीर और बुलबुल के बच्चे ही उन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगी। जैसे ही पता चलेगा वीर को कि उसका एक बच्चा भी है और वो दौड़ा भागता हुआ बुलबुल के पास आएगा। सो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है देखने के लिए इस एक साल के लीप को, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको कैसा लगता है मेरा बलम थानेदार, तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।